नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके खबर नाउ 24x7 में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। श्री चंडी माता मचैल यात्रा 24 जुलाई से शुरू हो चुकी है और हम आपको किश्तवाड़ से लेकर श्री चंडी माता मंदिर मचैल तक की पूरी यात्रा दिखाएंगे। हमारे संवाददाता रवि शर्मा आपको किश्तवाड़ से लेकर श्री चंडी माता की यात्रा की पूरी झलक दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको रवि शर्मा की ये रिपोर्ट। मचैल यात्रा 24 जुलाई से शुरू हो चुकी है और यात्रा की अगर बात करें तो लगभग 50,000 यात्री जो हैं वो श्री चंडी माता मचैल में दर्शन कर चुके हैं। किश्तवाड़ की अगर बात करें तो सिक्योरिटी रीजंस थे, जो यात्रा है वो 5 बजे के बाद यहाँ से नहीं छोड़ी जाती है, चाहे वो हम जम्मू की बात करें चाहे हम गुलाबगढ़ की यहाँ से बात करें। तो ये जो विजुअल आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं, हम इस समय मौजूद हैं गौरी शंकर मंदिर सरकोट में, किश्तवाड़ में। यहाँ पर जो यात्रा है वो यहाँ पर आकर रुकती है, जो यात्री हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक लंगर की व्यवस्था की जाती है और यात्रा जो है उनको यहाँ विश्राम के लिए रखा जाता है। और दूसरे दिन सुबह जो यात्रा है, जो जम्मू की तरफ लोग जाते हैं वो जम्मू की तरफ प्रस्थान करते हैं और जो लोग यहाँ से मचैल की तरफ जाते हैं वो सुबह 5 बजे यहाँ से मचैल की तरफ छोड़े जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पर लंगर है और क्या कहना है स्थानीय लोगों का और जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनका। नाम कहाँ से आप आए हैं और कैसा आपको लगा मचैल यात्रा करके? मेरा नाम है पवन कुमार शर्मा, जय श्री राम। मैं जम्मू एयरपोर्ट में, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मैं माता जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ, जहाँ साक्षात माता जी की शक्ति है, सुप्रीम पावर शक्ति है माँ, कलयुग की मालिक है माँ, साक्षात माँ के दर्शन होते हैं। बहुत आनंद आया। माता रानी सबका भला करे, कण कण का भला करे, जन जन का भला करे, यही सच्ची सरकार है। माँ का प्यार जो हमें खींच कर लाया जहाँ, तो माँ की शक्ति है। मेरी फैमिली के साथ मेरी मम्मी भी आई है, मेरे बच्चे भी आए हैं। एक्चुअली मेरा बेटा आता पहले इधर, उन्होंने बहुत बार बोला मुझे कि जहाँ पापा जी कुदरती जोत आती है, कुदरती और साक्षात गणेश शिव शक्ति कार्तिक पूरे परिवार भोलेनाथ जी की पूरी फैमिली के दर्शन होते हैं। तो सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, क्या आप उन इंतजाम से खुश हैं? लेकिन प्रशासन ने इधर ध्यान देना चाहिए, यही सुप्रीम पावर शक्ति है, कलयुग की मालिक है। मैं तो सभी को यही कहूंगा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आप भी कभी इधर आइए, दर्शन कीजिए। और जो बहुत बड़े सिंगर हैं नरेंद्र चंचल जी, मैं उनके आगे भी यही कहूंगा कि आप भी आइए। मैंने बहुत लोगों को बोला, जहाँ बहुत ही कृपा है यहाँ पे आके। जी सर, छोटा सा गांव है जिसका नाम मत्ता है, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में नज़दीक पड़ता है, टाउन के नज़दीक पड़ता है। हमने ये लंगर जो है 2004 से शुरू किया था, तो अचानक हमारा ऐसे हो गया कि जब हमने देखा कि जो ये मचैल यात्रा जब यात्रा करने जाते हैं तो ये थोड़ा सा बेखबर जैसे हो जाते हैं, इनको आने जाने का पता नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं होती थी यहाँ। तो हमने एक छोटा सा, जो हमारे साथ ये बाकी साथी हैं ये सारे मिलकर एक छोटा सा ग्रुप किया था, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ये इन यात्रियों के लिए एक छोटा सा भोजन की व्यवस्था करें। और ले दे के हमारा यही डिसाइड हो गया कि हमारे लिए गौरी शंकर मंदिर सरकोट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ रहने सहने के लिए भी जगह है, पानी वगैरह भी ठीक है। तो ये लंगर हमने फिर लास्ट पर यहीं पर डिसाइड किया, जो कि 2004 से लगातार चलता आ रहा है। ये हर साल तकरीबन 17 से 18 से 20 दिनों के दरमियान चलता है। 2018 में इस साल ये लंगर जो है 9/8/2018 से लेकर 26/8/2018 तक चलेगा। इसमें जो है हमारे अपने ग्रुप प्लस अपने गांव की जो डोनेशन है, बाकी इसमें किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी उनका कोई योगदान नहीं।